अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं और आपके डिवाइस में जो है Realme UI 1.0 जो है अवेलेबल है, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूं कि Realme UI 1.0 में Realme UI 2.0 के फीचर्स देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, और जितने भी Realme 1.0 जो सपोर्टेबल डिवाइस है, मतलब जिन जिन डिवाइस में देखने को मिला है, जैसे कि Realme 5 सीरीज, 3 सीरीज, Realme 5i5s, 3i, C22 Pro, जितने भी डिवाइस में यहां पे Realme UI 1.0 है, तो उन डिवाइस में Realme UI 2.0 के कोई भी फीचर्स जो है देखने को मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, तो इसके लिए मैंने Realme टीम से जो है ऑफिशियली जो है बात की और उनका जो है ऑफिशियल फीडबैक हमको जो है प्रोवाइड करवाया हुआ है। ठीक है, तो वही इन्फॉर्मेशन आप तक जो है शेयर करने वाला हूं, आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे Realme UI 2.0 नहीं मिलेगा तो क्या 1.0 में फीचर्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि Realme UI 2.0 में हमको कई सारे नए फीचर्स जो है देखने को मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल हो गया, और यहाँ पे जो है इसका डार्क मोड का हो गया, मतलब कई सारे हमको वहां पे नया मॉडिफिकेशन जो है Realme UI 2.0 में जो देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें Realme UI 1.0 में, तो यहाँ पे कई सारे डिवाइस को Realme UI 1.0 बेस्ड ऑन Android 10 जो है देखने को मिला हुआ है कई सारे डिवाइस में, और उन डिवाइस में यहाँ पे कई सारे जो है फीचर्स मिले थे देखने को नए उस समय। ठीक है, बट अभी Realme UI 2.0 की अगर हम बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट कई सारे और भी नए फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, अब ऐसे में जो भी ओल्ड डिवाइस यूज करते हैं जिसमें Android 10 पड़ा हुआ है, तो सभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि उसमें 2.0 के फीचर्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो चलिए, मैंने इसके लिए जो Realme टीम से जब मैंने बात की तो उनका क्या फीडबैक आया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इनसे पूछा यहाँ पे, ठीक है, कि Realme UI 1.0 में जो है यहाँ पे 2.0 के फीचर्स मिल सकते हैं देखने को या फिर नहीं मिल सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक बार तो जो है यहाँ पे क्लियरलीफाई ये चीज कह दिया कि Realme UI 2.0 एंड Realme UI इज डिफरेंस, मतलब दोनों को इन्होंने बता दिया कि Realme UI 2.0 एंड 1.0 दोनों ही जो है दोनों में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके जो फीचर्स है सिर्फ उन्हीं डिवाइस को जो है देखने को मिलेंगे जो डिवाइस यहाँ पे जो है कंफर्टेबल होगी Realme UI 2.0 के लिए। मतलब अगर आपको 2.0 के फीचर्स चाहिए तो आपके डिवाइस में 2.0 जरूर से होना चाहिए, या फिर आपका डिवाइस लिस्टेड होना चाहिए Realme UI 2.0 के रोड मैप में, इंक्लूड होना चाहिए, तभी आपको Realme UI 2.0 का जो है फीचर्स जो है देखने को मिलेगा। फिर मैंने इनसे पूछा कि सो मींस यहां पे 1.0 में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इन्होंने कहा सर इट डिपेंडेड ऑन द फीचर्स टू। तो वही चीजें, मतलब कि यहां पे अगर आपके डिवाइस जो है सपोर्ट करती है 1.0 को ही, तो आपको 1.0 को ही सपोर्ट देखने को मिलेगा, और यहां पे 2.0 का सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये इन्होंने डायरेक्टली जो इस चीज को कह दिया है, और यहां पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है इन्होंने अपनी कंफर्मेशन जो है यहां प्रोवाइड करवाई हुई है। तो अगर इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पर Realme UI 2.0 जो है देखने को मिलता है, तो आपको 2.0 में सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, मगर 1.0 ही अगर होगा तो उसमें यहाँ पे 1.0 में जो फीचर्स देखने को मिलेंगे वो आपको Android 10 बेस्ड मिलेंगे, वो वहां पे आपको Realme UI 2.0 जो कि Android 11 बेस्ड है वो वाले फीचर्स देखने को नहीं मिल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप, उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।